सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन व दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने पिछले 4 साल से किडनैपिंग और हत्या के केस में कोर्ट से भगोड़ा चल रही 27 वर्षीय लेडी डॉन व गैंगस्टर राहुल जाट की पत्नी निधि उर्फ भारती को अरेस्ट किया है। वर्ष 2015 में लेडी डॉन निधि ने अपने गैंगस्टर पति राहुल जाट व कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर जीटीबी एनक्लेव निवासी व अपनी बहन के प्रेमी सागर उर्फ चुन्नू का दिल्ली से अपहरण करने के बाद यूपी के बागपत जिले में मर्डर करके फेंक दिया था। इस मामले में वो जेल गई, लेकिन 2017 में बहन की शादी के लिए जेल से बाहर आई और फरार हो गई थी। स्पेशल सेल डीसीपी जसमीत सिंह ने बताया कि स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज एसीपी अत्तर सिंह के नेतृत्व में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून की टीम गैंगस्टरों, वांटेड क्रिमिनलों व कोर्ट से भगोड़े आरोपियों को खोज कर दबोच रही है। इसी कड़ी में वर्ष 2018 से किडनैपिंग और हत्या के केस में कोर्ट से भगोड़ा चल रही गैंगस्टर राहुल जाट की पत्नी व लेडी डॉन निधि उर्फ भारती को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर शिव कुमार हून की टीम लगातार प्रयास कर रही थी। टीम ने लेडी डॉन के सभी सस्पेक्ट ठिकानों, दोस्तों व रिश्तेदारों पर नजर रखने के साथ साथ मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया था, लेकिन टीम को न तो मुखबिरों से कोई लीड मिल रही थी और न ही दोस्तों व रिश्तेदारों से। इसी दौरान लेडी डॉन निधि उर्फ भारती का पति गैंगस्टर राहुल जाट भी जमानत पर बाहर आ गया था। दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून को पूरा भरोसा था कि लेडी डॉन या उसका पति एक दूसरे से संपर्क जरूर करेंगे। टीम ने तुरंत लेडी डॉन के पति गैंगस्टर राहुल जाट के चारों तरफ मुखबिरों का जाल बिछाने के साथ उसका मोबाइल भी सर्विलांस पर लगवा दिया, लेकिन काफी समय तक नजर रखने के बाद भी लेडी डॉन के मूवमेंट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के अनुभवी व तेजतर्रार एसीपी अत्तर सिंह को पूरा यकीन था कि वांटेड लेडी डॉन काफी शातिर और क्रिमिनल बैकग्राउंड से है और मोबाइल से ट्रैक किया जा सकता है, यकीनन इसलिए वो मोबाइल का तो इस्तेमाल नहीं कर रही होगी। लेकिन एसीपी अत्तर सिंह को एक बात खटक रही थी कि लेडी डॉन काफी समय से अंडरग्राउंड है। इतने लंबे समय तक बिना मदद के लेडी डॉन का सर्वाइव करना आसान नहीं है, कोई ना कोई तो लिंक है जो लेडी डॉन की मदद कर रहा है। एसीपी अत्तर सिंह के नेतृत्व में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून की एक सोशल मीडिया टीम ने लेडी डॉन के पति गैंगस्टर राहुल जाट के मोबाइल में डाउनलोड सभी एप्लीकेशन, सोशल मीडिया अकाउंट, एसएमएस, ईमेल व व्हाट्सएप की एक एक एंट्री पर बारीकी से नजर रखनी शुरू कर दी। टीम को लेडी डॉन के पति गैंगस्टर राहुल जाट के मोबाइल में डाउनलोड एक ईमेल एप्लीकेशन से ब्रेकर थ्रू मिला। टीम ने ईमेल एप्लीकेशन को बारीकी से स्कैन किया तो पता चला कि गैंगस्टर राहुल जाट के जेल से आने के बाद कुछ सस्पेक्ट मेल आए हैं। स्पेशल सेल की साइबर टीम ने अपने सिस्टम पर ईमेल रीड किया तो कोड वर्ड में कुछ लिखा मिला। टीम ने ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रैक किया तो पता चला कि यह ईमेल गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में एक कैफे से आया है। आज के समय में सभी के पास मोबाइल फोन है, ज्यादातर लोग अपने मोबाइल से ही ईमेल आदि कर लेते हैं। ऐसे में कैफे से मेल आना टीम को हजम नहीं हो रहा था। दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून को पूरा शक था कि इन ईमेल का लेडी डॉन से कोई न कोई लिंक जरूर होगा। दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून ने गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित कैफे में मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। इंस्पेक्टर शिव कुमार का शक सही निकला। मुखबिरों से पता चला कि गोविंदपुरम कैफे से लेडी डॉन ने ही अपने पति गैंगस्टर राहुल जाट को कोड वर्ड में मेल किए हैं। मुखबिरों से टीम को यह भी पता चला कि 19 मार्च की शाम लेडी डॉन फिर से कैफे में आएगी। इन्फॉर्मेशन कंफर्म होते ही स्पेशल सेल डीसीपी जसमीत सिंह ने स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन व दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून के नेतृत्व में एसआई निशांत, राजेश शर्मा, अनिल कुमार, महिला एसआई नीतू, हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह, नीरज टियश, रोहित रावल, पंकज शर्मा, मोहित पनवार, कांस्टेबल जितेंद्र व महिला कांस्टेबल मंजीत की टीम का गठन किया। टीम ने गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में सस्पेक्ट कैफे के चारों ओर जाल बिछा दिया। देर शाम लेडी डॉन निधि उर्फ भारती आती हुई दिखाई दी कैफे में। जब वो मेल करने के लिए कंप्यूटर पर बैठी, टीम ने उसे दबोच लिया। स्पेशल सेल डीसीपी जसमीत सिंह के अनुसार जीटीबी एनक्लेव निवासी मृतक सागर उर्फ चुन्नू लेडी डॉन निधि की बहन का प्रेमी था। यह बात लेडी डॉन निधि उर्फ भारती व उसके गैंगस्टर पति राहुल को पसंद नहीं थी। इसको लेकर दोनों ने सागर को धमकी भी दी थी, लेकिन सागर उर्फ चुन्नू ने लेडी डॉन निधि उर्फ भारती की बहन से मिलना बंद नहीं किया। इस बात से नाराज होकर निधि ने सागर की हत्या की साजिश रची। योजना अनुसार 2015 में जीटीबी एनक्लेव इलाके से सागर उर्फ चुन्नू का लेडी डॉन निधि ने अपने पति गैंगस्टर राहुल जाट व कुछ अन्य लोगों की मदद से अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपी सागर को अपनी गाड़ी में डालकर यूपी के बागपत में ले गए, जहां उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद बेहोशी की हालत में उसे एक तेज रफ्तार ट्रक के आगे फेंक दिया गया था।
ट्रक से कुचलकर सागर उर्फ चुन्नू की मौके पर मौत हो गई थी। शुरुआत में यूपी पुलिस इसे सड़क हादसा ही मान रही थी, लेकिन जब सागर उर्फ चुन्नू के परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया और शव की शिनाख्त की तो मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने की। इसके बाद पूरे मामले से पर्दा उठा था। सागर के मर्डर में लेडी डॉन निधि और गैंगस्टर राहुल जाट सहित कुल 9 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2017 में लेडी डॉन निधि ने बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत अर्जी दिल्ली की अदालत में लगाई, जो स्वीकार हो गई। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बावजूद लेडी डॉन निधि कोर्ट में दोबारा पेश नहीं हुई थी। साल 2018 में दिल्ली कोर्ट ने उसको भगोड़ा घोषित कर दिया था। इस मामले में लेडी डॉन निधि का गैंगस्टर पति राहुल जाट भी जमानत पर बाहर है। उसका पति कुख्यात गैंगस्टर्स रोहित चौधरी और अंकित गुर्जर का सहयोगी था। गैंगस्टर राहुल हत्या, हत्या के प्रयास, हत्या के लिए अपहरण और दिल्ली में हथियार अधिनियम सहित 3 जघन्य आपराधिक मामलों में भी शामिल है। वो गैंगस्टर अंकित गुर्जर, रघुनाथ अलियास विक्की पहलवान और अन्य के साथ पहले वर्ष 2019 में दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में उनके प्रतिद्वंद्वी अमन पर गोलीबारी में गिरफ्तार किया गया था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।